तमिलनाडु के कुन्नूर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक घटना में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे से ठीक एक दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ी चेतावनी दी थी। दरअसल एक कार्यक्रम में सीडीएस बिपिन रावत ने कोरोना महामारी को लेकर कहा था कि ये महामारी जैविक युद्ध में बदल सकती है और दुनिया के सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि क्या कोरोना महामारी एक नए प्रकार के युद्ध का रूप ले रही है। हम लोगों को मजबूती से इससे निपटना होगा ताकि ये वायरस और बीमारियां हमारे देश को प्रभावित ना कर सके। जनरल बिपिन रावत ने आगे कहा कि अब कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है। अगर ये वेरिएंट भी दूसरे रूपों में बदलता है तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। यहाँ आपको याद दिला दे कि कोरोना फैलने के बाद से ही चीन पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने कोरोना का इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में किया था। And if this is the future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst our biggest nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of diseases, virus, and we must be able to protect ourselves from any such thing happening. And to top it all, let me tell you that the armed forces of any country will have to step in whenever such a natural disaster or a pandemic takes place. So I think it is important for us in uniform, men and women in uniform, to see how best we can support our nation. चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये जैविक युद्ध होता क्या है। दरअसल जैविक युद्ध का नाता सदियों पुराना है। ये युद्ध किसी वायरस को हथियार बनाकर लड़ा जाता है, इसीलिए इसे जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। बताया जाता है कि जैविक हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल साल 1347 में हुआ था। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।